तो जो बेटे हमारी लास्ट वीडियोस थी उसके अंदर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से जो हमारी लाइट वेव है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो किस तरह से पार्टिकल नेचर शो करती है। और याद कर उस पार्टिकल का नाम हमने फोटोन दिया था, और उस फोटोन का जो मोमेंटम आया था वो किसके बराबर आया था बेटे? वो आया था एच अपॉन पी बराबर, मोमेंटम बराबर एच अपॉन में लैम्डा के बराबर। बेसिकली मैंने आपको उस दिन ये समझाया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर कि जो लैम्डा है ना बेसिकली वो वेव की प्रॉपर्टी है, और उस वेव की प्रॉपर्टी को उसने किसकी प्रॉपर्टी के साथ एसोसिएट कर दिया? पार्टिकल की प्रॉपर्टी के साथ। तो इस वजह से मैं बोल सकता हूँ क्या कि जो वो रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो एक पार्टिकल से मिल करके बनी हुई है जिसका नाम हमने फोटोन रखा, और उसका जो मोमेंटम था वो पी बराबर एच अपॉन में लैम्डा है। और ये एच है क्या? बेसिकली प्लैंक कांस्टेंट, जिसका वैल्यू था 6.63 × 10⁻³⁴ जूल सेकंड बेटे। ठीक है, चलिए जी। तो ये जो साइंटिस्ट था बेटे डी ब्रोगली, अब जो डी ब्रोगली अंकल थे वो बहुत समझदार थे। ठीक, डी ब्रोगली, अब वो जो डी ब्रोगली अंकल है ना, उसने ये सोचा क्या कि अगर वेव, लाइट वेव या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक पार्टिकल की तरह एक्ट कर सकती हैं, तो क्या उसका उल्टा भी हो सकता है कि क्या तेरा पार्टिकल एक वेव की तरह भी एक्ट कर सकता है? तो उसने आंसर दिया यस, बिल्कुल कर सकता है। कि हमारे पास जो बेटे पार्टिकल है वो है क्या क्या, याद कर, बेसिकली मैटर है। मैटर किससे मिल करके बना बेटे? इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से, ठीक है, या फिर पार्टिकल्स और भी हमारे पास हैं डेफिनेटली। तो ये सारे के सारे क्या बेटे? ये मैटर है। क्या ये मैटर है? ठीक, और मैंने आपको समझाया था कि इन मैटर, ये जो पार्टिकल है, इनकी प्रॉपर्टी क्या बेटे? मैं यहाँ पी लिखने की बजाय ई पॉजिटिव लिख देता हूँ ताकि मुझे पता लगे कि ये प्रोटॉन लिख रहा हूँ मैं। तो क्योंकि पी से तो मैं मोमेंटम लिखने वाला हूँ भाई, तो मुझे मालूम है बेटे जो मैटर है वो इन पार्टिकल से मिल करके बना हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से सुन, इन पार्टिकल की प्रॉपर्टी क्या थी बेटे? पी थी। क्या थी? मोमेंटम थी। तो उसने ये बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना बेटे, ये ना एक वेव की तरह एक्ट करते हैं। ठीक, और उस वेव का जो वेवलेंथ होता है वो किसके बराबर होता है? वो था बेटे एच अपॉन पी के। किसके बराबर होता है? एच अपॉन पी। एच क्या बेटे? प्लैंक कॉन्स्टेंट। पी क्या है? लीनियर मोमेंटम। क्या है उसका? लीनियर मोमेंटम। तो ध्यान से सुन बेटे कि जो पी है ना वो एक पार्टिकल की प्रॉपर्टी है। उस पार्टिकल की प्रॉपर्टी को उसने किसके साथ एसोसिएट कर दिया? किसके साथ जोड़ दिया बेटे? वेव की प्रॉपर्टी के साथ। तो इसी वजह से क्या है कि जो पार्टिकल होते हैं वो बेसिकली तेरे वेव की तरह एक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो वेवलेंथ है वो किसका प्रॉपर्टी है बेटे? वेव का प्रॉपर्टी है। किसका प्रॉपर्टी है? वेव का प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब ये है बेटे कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ये जो न्यूट्रॉन वगैरह हैं, छोटे छोटे पार्टिकल हैं जिससे मैटर मिल करके बना है, ये तेरे वेव की तरह एक्ट करते हैं डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग। और उस वो जो वेव है उसका जो वेवलेंथ आता है वो एच अपॉन पी के बराबर आता है। ठीक है, और वो जो वेव निकलती है उससे, उसे हम क्या बोलते हैं बेटे? मैटर वेव बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं उसको? मैटर वेव बोल देते हैं। ठीक है, फिर अब आप सोचोगे कि सर कि कभी आपकी लाइट वेव है वो पार्टिकल की तरह एक्ट कर रही है, कभी वो तेरी किसकी तरह एक्ट कर रही है बेटे? वेव की तरह एक्ट कर रही है। सिमिलरली यहाँ पर कभी ये पार्टिकल की तरह एक्ट कर रहे हैं, और अब आप बोल रहे हो कि सर ये वेव की तरह भी एक्ट करते हैं, तो ऐसा कब होता है? एक्चुअल बेटे हम फिनोमिनन ऑब्जर्व करते हैं। अब जो नेचर बेटे डोमिनेंट निकलेगा उसी नेचर को मैं क्या कर लूँगा बेटे? मान लूँगा। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अगर मैं वेव नेचर से उसको एक्सप्लेन करने लग जाता तो मैं नहीं कर पाता उसको। ठीक है, बट जब मैंने इसको वेव को क्या माना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एक फोटोन मान लिया, तो मैंने उसको आसानी से एक्सप्लेन कर दिया। तो मैंने वेव को क्या मान लिया बेटे? जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी, जो आपकी लाइट वेव थी, उसको मैंने क्या मान लिया बेटे? पार्टिकल मान लिया। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर भी बेटे, तो कुछ फिनोमिनम जो भी मतलब हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, जो भी फिनोमिनन हम एक्सप्लेन करेंगे उसके अंदर जो भी नेचर डोमिनेंट होगा वही आपका क्या बन जाएगा, वही उसी तरह का वो नेचर शो करना शुरू कर देगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते बेटे, एच अपॉन एम कितना बेटे? वो है मास इनटू में वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप लोगों को मालूम है बेटे कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वगैरह होते हैं ना, जैसे पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है बेटे, ये ऐसा नहीं है कि भाई थोड़ी बहुत वेलोसिटी से मूव करता है। याद कर, हाइड्रोजन एटम के अंदर जो इसकी वेलोसिटी आती है अप्रोक्सीमेटली वो 2.18 × 10⁶ मीटर पर सेकंड आती है फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर। तो ये लगभग स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, मतलब इतनी भी नहीं है, है उसके अप्रोक्सीमेटली उसके बराबर बेटे। ठीक है, तो मतलब मैं यहाँ पे नॉर्मल वाला मास नहीं लूँगा, मैं कौन सा लेने वाला बेटे? वहाँ पे
मूवेबल मास। तो जो ये एम कौन सा मास है बेटा की बार, मूवेबल मास। तो जो मास बनेगा वो बनेगा एम नॉट डिवाइड बाय में अंडर रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वेयर बाय में सी स्क्वेयर इंटू में बेटा क्या आई ये वाला भी है। तो बेसिकली जो लैम्डा का असली वाला फॉर्मूला है वो ये वाला आप यूज़ करोगे। हाँ अगर मान लो वेलोसिटी कम है तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अगर मान लो बेटे कि इलेक्ट्रॉन वगैरह है तो उस वाले केस में आप ज़्यादातर ये वाला फॉर्मूला निकालने की कोशिश करोगे कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन हैं अगर वो वी रफ्तार से चलना चालू कर दें तो वो एक वेव की तरह एक्ट करेंगे और उस वेव का जो वेवलेंथ होगा वो इस वाले फॉर्मूले से दिया जाएगा। क्लियर है मेरी बात? चलिए जी बहुत बढ़िया। तो अब बेटा हम फोटोन और पार्टिकल का जो डिफरेंस है वो करने की कोशिश करेंगे। तो आप एक साइड में हेडिंग डाल लेना फोटोन, क्या डालोगे बेटे फोटोन, और दूसरी साइड में आप हेडिंग डाल लेना पार्टिकल, क्या बेटे पार्टिकल। ठीक, तो जो पहला तो वही है बेटे कि अगर आपको डिफरेंस क्रिएट करना है फोटोन और पार्टिकल के बीच में, तो पहला डिफरेंस तो यही है क्या कि जो फोटोन है बेटे, जो फोटोन है, फोटोन का जो मोमेंटम होगा वो दिया जाएगा h अपॉन लैम्डा के बराबर, और सिमिलरली इस पार्टिकल का जो वेवलेंथ होगा वो दिया जाएगा h अपॉन p के बराबर। अब आप ये मत सोच लेना कि सर आपने तो बस जस्ट इसको इंटरचेंज कर लिया, एक्चुअली इस वाली इक्वेशन में और इस वाली इक्वेशन में जमीन आसमान का फ़र्क है। वो जमीन आसमान का फ़र्क क्या बेटे, ध्यान से सुन, यहाँ पर हमने बेटे वेव की प्रॉपर्टी को पार्टिकल की प्रॉपर्टी के साथ एसोसिएट किया है। तो मतलब जो तेरा फोटोन है बेटे, जो तेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो किसकी तरह एक्ट करेगी बेटे, पार्टिकल की तरह, और उस पार्टिकल का जो मोमेंटम होगा वो पी होगा, वो एच अपॉन लैम्डा होगा। सिमिलरली यहाँ पे बेटे क्या है कि हमने पार्टिकल की प्रॉपर्टी को वेव की प्रॉपर्टी के साथ एसोसिएट कर दिया। तो मतलब जो तेरा पार्टिकल होगा वो एक तेरा वेव की तरह एक्ट करने वाला है जिसका लैम्डा एच अपॉन पी होगा। ठीक है जी, चलिए जी, दूसरा पॉइंट क्या है इसके अंदर, दूसरा पॉइंट ये है इसके अंदर क्या कि जो फोटोन होता है, जो बेटे फोटोन होता है उसका जो एनर्जी होता है वो कितना होता है बेटे, E बराबर एच सी बाई लैम्डा, या फिर होता है बेटे एच इंटू में न्यू। बट जो पार्टिकल है अगर वो वी रफ्तार से भागेगा तो डेफिनेटली उसका जो एनर्जी होने वाला है वो कितना होने वाला बेटे, 1/2 एम इंटू वी स्क्वेयर। ठीक है, होप आप सबको ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा, एनर्जी कितना बनेगा 1/2 एम वी स्क्वेयर। सिमिलरली थर्ड डिफरेंस क्या है, ध्यान से सुन मेरी बात, जो फोटोन होता है ना उसका जो रेस्ट मास होता है बेटे, मैं इसको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये जो m है वो मूवेबल मास है, m नॉट क्या बेटे रेस्ट मास है। तो जो फोटोन का रेस्ट मास होता है ना वो जीरो के बराबर होता है। सिमिलरली यहाँ पर जीरो नहीं होता, यहाँ पर पार्टिकल का कुछ ना कुछ मास तो रहेगा, वो जीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक है बेटे, चलिए जी बहुत बढ़िया, शाबाश। अब ध्यान से सुन कि अगर जो फोटोन होता है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करता है, किसे मूव करता है बेटे, स्पीड ऑफ लाइट मतलब सी की रफ्तार से मूव करता है, 3×10^8 मीटर पर सेकंड, और ये किसी भी रफ्तार से मूव कर सकता है, सपोज कर इसकी रफ्तार 10-25 कुछ भी हो सकती है, तो उसको मैंने v से लिख दिया। ठीक, फिफ्थ डिफरेंस अब मेरी बात ध्यान से सुनिए बेटे, क्या कि जो अगर फोटोन सी रफ्तार से मूव करने की कोशिश करेगा तो उसका जो एनर्जी होगा वो दिया जाएगा एम सी स्क्वेयर से, और ये किसके बराबर है बेटे, एच सी बाय लैम्डा के है। तो यहाँ से ध्यान से सुन इस एम का वैल्यू निकाल सकता हूँ। एम का वैल्यू कितना है बेटे, ध्यान से सुन, एक सी इसको मार देगा तो एच अपॉन लैम्डा इंटू में सी उसका क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। कितना है बेटे उसका मास, एच अपॉन लैम्डा इंटू सी, जबकि इसका जो मास होता है वो कुछ भी हो सकता है बेटे, ठीक है, मूवेबल मास भी हो सकता है इसका, ओके, इसका रेस्ट मास जीरो है, जो मास होता है वो फोटोन का वो एच अपॉन लैम्डा से होता है बेटे, इसका कुछ भी हो सकता है, डोंट वरी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटे, कि 5 किलोग्राम 10 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन का भी अपना अपना मास है बेटे, इस तरह से। क्लियर कट बात मेरी? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। मैंने आपको बताया बेटे कि जो भी नेचर डोमिनेट करेगा वो हम उसको एक्सप्लेन कर दें भाई, वो पार्टिकल है या वेव है हमारा, कैसे बेटे, ध्यान से सुनो मेरी बात। तो ये जो वेवलेंथ आती है ना, बेसिकली इसको मैं डी ब्रोगली वेवलेंथ भी बोल देता हूँ, आपने ये पहले कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, एक्चुअली जो आपकी केमिस्ट्री की बुक है 11th क्लास में, उसमें सेकंड चैप्टर होगा आपका ये वाला, ठीक है, तो उसमें आपने बस जस्ट इसका ना एक रिवीजन सा किया होगा भाई, हाँ कुछ ऐसा सा है, बट आपने उसको ना अच्छे से समझा नहीं होगा, रट्टा बेसिक से मार लियो आप लोगों ने, मुझे मालूम है, कोई बात नहीं, बट समझने की कोशिश क्या करो हर सब्जेक्ट को बेटे, ओके, ठीक है। अब मान ले बेटे मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, क्या क्वेश्चन देता हूँ, सपोज कर
कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका जो मास है ना वो कितना बेटे 1 किलोग्राम है, कितना है 1 किलोग्राम है। अब 1 किलोग्राम इस ऑब्जेक्ट को आप आसानी से देख सकते हो, तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये जो मूव कर रहा है ये 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से मूव कर रहा है। क्लियर कट बात बेटे? चलिए जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो मुझे क्या करना है बेटे, मुझे इसकी ना डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है। एक्चुअली में मैं जो मेरे पास 1 किलोग्राम का मास है ना, मैं उसकी वेवलेंथ निकालना चाहता हूँ। सीधी सी बात है भाई, ठीक है। क्या जो 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है वो है तो मैटर है, क्या वो पार्ट, क्या वो वेव की तरह एक्ट करेगा? देखते हैं कि उसकी वेवलेंथ कितनी आने वाली है, ठीक है। ओके जी, देखते हैं बेटे। तो जो वेवलेंथ है वो किसके बराबर है बेटे, वो है एच अपॉन पी एच अपॉन में एम वी। अब ध्यान से सुन, यहाँ पे जो वेलोसिटी है ना, जो वेलोसिटी है बेटे वो वेरी 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 लेस देन क्या है, सी है। तो ये वाली जो टर्म होगी, नीचे वाली टर्म, ये वाली टर्म क्या बनेगी बेटे, जीरो बन जाएगी, मतलब ये जीरो बन जाएगी। तो जो तेरा एम नोट होगा वो बराबर आ जाएगा किसके, एम के ही बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो लैम्डा बराबर 6.63 × 10⁻³⁴ डिवाइडेड बाय में, कितना पुट करूं बेटे, मास है 1 किलोग्राम और वेलोसिटी कितनी है भाई साहब उसकी, 10 मीटर पर सेकेंड। कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड बेटे। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 6.63 × 10⁻³⁵ मीटर। अब ध्यान से सुन बेटे, क्या आप 10⁻³⁵ मीटर को ऑब्जर्व कर सकते हो किसी इंस्ट्रूमेंट से? बेसिकली हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं है कि जहां से इस चीज़ को मैं ऑब्जर्व कर लूँ। तो इस वाले केस के अंदर 1 किलोग्राम मास के अंदर जो कौन से वाला फिनोमिनन डोमिनेट कर रहा बेटे, अब उसकी वेवलेंथ तो ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो मतलब ये वाला जो वेव नेचर है उसका वो डोमिनेट नहीं कर रहा है। कौन सा कर रहा है बेटे, 1 किलोग्राम जो हमें दिख रहा है, इसी वजह से मैंने क्या माना उसको, उसी वजह से क्या माना बेटे, मैंने उसको पार्टिकल मान लिया। क्लियर कट बात। अब सिमिलरली अब अगर मैं केस लेता हूँ एक इलेक्ट्रॉन का, किसका इलेक्ट्रॉन का बेटे, इलेक्ट्रॉन का। मान ले कि इलेक्ट्रॉन है वो 100 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रहा है। कितने की रफ्तार से आ रहा बेटे, 100 मीटर पर सेकंड की। ऑब्वियस ही बात है बेटे, अब मुझे ये वाला जो फॉर्मूला है m = m0/√(1 − v²/c²), इसको लगाने की कतई जरूरत नहीं है। क्यों भाई साहब, इस क्यों, क्योंकि भाई साहब जो मेरा v है वो वेरी वेरी लेस देन है, तो जो तेरा m है वो लगभग और लगभग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होगा। तो चलिए देखते हैं बेटे कि इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ आएगा वो कितना आने वाला है, 6.63 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय में। आप सभी को मालूम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो था बेटे 9.1 × 10⁻³। सिमिलरली और जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। और कितना आंसर आएगा देख, वेलोसिटी मैंने कितनी मानी है, 100 मीटर मान ली, कितनी मान ली, 100 मीटर मान ली। तो तेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 7 × 10⁻⁶ मीटर। कितना आएगा, 7 × 10⁻⁶ मीटर। अब बेसिकली बेटे ये 10⁻⁶ मीटर को हम आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटे, आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अगर उसको ऑब्जर्व कर लेंगे तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के केस में कौन से वाला फिनोमिनन डोमिनेट कर रहा है बेटे, वे वाला। तो इसी वजह से मैं इलेक्ट्रॉन को क्या मान लेता हूँ, वे मान लेता हूँ, जिसकी जो वेवलेंथ है बेसिकली डी ब्रोगली वेवलेंथ है इस वाले केस में वो इतनी आएगी। और जो जनरल फॉर्मूला है किसी भी पार्टिकल के लिए वो ये वाला होता है। क्लियर है मेरी बात? चलिए जी, होप आप सबको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसके साथ साथ, अब इस चैप्टर का लगभग और लगभग हमारे पास एंड ही आने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक्चुअल में इसका भी एक एक्सपेरिमेंट प्रूफ है, वो जो एक्सपेरिमेंट प्रूफ है हम बेसिकली नेक्स्ट लेक्चर में करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वैसे तो अब की बार तो आपके सिलेबस में नहीं है वो, बट फिर भी मैं आपको करवा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है बेटे। अब ध्यान से सुन बेटे, मुझे क्या निकालना है, जो मुझे निकालना है ना, मुझे वेवलेंथ को इन टर्म्स ऑफ एनर्जी निकालना है। आपको मालूम है कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो किसके बराबर है बेटे, वो है एच अपॉन पी के बराबर, एच अपॉन पी के बराबर। पी क्या बेटे, मोमेंटम है, किसका, पार्टिकल का। बेसिकली इलेक्ट्रॉन है आपके पास, आपके पास प्रोटॉन है बेटे, न्यूट्रॉन भी है, ठीक है, और भी बहुत सारे पार्टिकल हो सकते हैं, जैसे अल्फा पार्टिकल हो गया। अल्फा पार्टिकल मतलब कि एच ई जो 2 पॉजिटिव है उसको हम क्या बोलते हैं बेटे, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, और उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है 2e, ठीक है। ऑब्वियस बात है बेटे, यानी कि आपको मालूम है कि जो हीलियम है, हीलियम जैसे आप 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हो। हमें बेटे जो लिखना है बेसिकली, हमें जो वेवलेंथ लिखना है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी लिखना है। आपको मालूम है बेटे कि एच अपॉन जो पी होता है ना, और जो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है उसके अंदर जो रिलेशन है वो क्या बेटे, मोमेंटम में और काइनेटिक एनर्जी में, वो होता है बेटे कितना, 2 × मास ऑफ द पार्टिकल इनटू में बेटे काइनेटिक एनर्जी। कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी, ये रिलेशन होता है बेटे मोमेंटम में और काइनेटिक एनर्जी में। ये रिलेशन शायद आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, शायद 11th क्लास में तो पक्का पढ़ा है, ठीक है बेटे। चलो जी, बहुत बढ़िया। तो अब हमें क्या करना है बेटे,
लैम्डा हमने किसके टर्म्स में लिख दिया बेटे, कैनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिख दिया, पार्टिकल की कैनेटिक एनर्जी के टर्म में। अब मेरी बात ध्यान से सुनियो कि अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है बेटे वी, वहाँ पे मैं चार्ज रख देता हूँ कितना क्यू, तो उस चार्ज के पास एनर्जी आ जाता है, कितना एनर्जी आता है बेटे, क्यू इंटू वी, क्यू इंटू वी, ठीक है। तो ये क्या उसके पास एनर्जी है, क्लियर। अभी जो एनर्जी होती है बेटे बेसिकली ये वही एनर्जी है जिसकी वजह से जो पार्टिकल है वो एक्सेलरेट करना चालू करता है। एक्सेलरेट मतलब कि उसके पास कौन सी एनर्जी आ रही है, काइनेटिक एनर्जी आ रही है। कौन सी एनर्जी आ रही है बेटे, काइनेटिक एनर्जी आ रही है। उसी वजह से मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी लिख दिया। तो इसका मतलब क्या बेटे, एच अपॉन अंडर रूट ऑफ टू एम, इस काइनेटिक एनर्जी की जगह मैं कितना लिख सकता हूँ, क्यू इंटू में वी लिख सकता हूँ। अब मेरे पास बेटे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटोन है, न्यूट्रॉन है, वगैरह वगैरह ये सब हैं पार्टिकल्स हैं। तो न्यूट्रॉन, अब यहाँ पे सुन बेटे ध्यान सुन कि यहाँ पे ना चार्ज आ रहा है बेसिकली, तो न्यूट्रॉन के ऊपर तो चार्ज होता नहीं है, तो न्यूट्रॉन के लिए आप ये वाला फॉर्मूला सीधा अप्लाई करोगे। अब जो मैं फॉर्मूले लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटोन के लिए और अल्फा पार्टिकल के लिए, किसके टर्म्स में बेटे, इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो प्रोटोन का ये जो मास है, ये इन इलेक्ट्रॉन का भी मास है, प्रोटोन का मास है और अल्फा पार्टिकल का मास है, चार्ज भी मुझे मालूम बेटे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉन की लिखने की कोशिश करता हूँ, वेवलेंथ ई बराबर एच का वैल्यू मुझे मालूम है कितना बेटे, वो है 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 डिवाइडेड बाय में अंडर रूट ऑफ 2, तो एज इट इज आएगा। मास किसका बेटे यहाँ पे, मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का मास आपको मालूम है कितना बेटे, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 के जी, आप सबको मालूम है, ठीक, ओके जी, बहुत बढ़िया। चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो है बेटे चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्मॉल ई, यानी कि इतना बेटे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, और यहाँ पे बेटे क्या है, वी है। तो बेसिकली कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आप इन चार्ज पार्टिकल को किसी पर्टिकुलर पोटेंशियल पे रख दोगे, वोल्टेज पे रख दोगे, तो उनकी जो वेवलेंथ होगी, वो जो वेवलेंथ एमिट करेंगे वो कितनी करने वाले बेटे, इस वाले फॉर्मूला से आपको दी जाएगी, ठीक है। तो जब मैंने इन सब की वैल्यू पुट करी है तो आपके पास आंसर आता है 12.27 डिवाइड बाय में अंडर रूट ऑफ वी इंटू में एंगस्ट्रॉम, इंटू में अंडर रूट ऑफ दी एंगस्ट्रॉम बेटे। सपोज कर आपको बोलता है कि उसने ना कि हमने जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया है वो 100 वोल्ट पे कर दिया, किस पे कर दिया बेटे, 100 वोल्ट पे, ठीक है। तो आपको बताना है कि जब वो भागेगा तो ऑब्वियसली मतलब बेटे पार्टिकल है तो वो वेव की तरह एक्ट करेगा। उसके लिए आप सीधा ये शॉर्टकट वाला मेथड अप्लाई कर दोगे, आपको ये बीच वाला जो हमने करा इसकी करने की जरूरत नहीं है, आप ये वाला भी लिख के सीधा कर सकते हो बेटे। तो कितना आंसर आया बेटे, वो आएगा 12.27 डिवाइड बाय में अंडर रूट ऑफ 100, यानी कि किसकी वेवलेंथ आ रही बेटे, इलेक्ट्रॉन का, अंडर रूट 100 होता है 10, तो ऊपर जाएगा कितना मैंने बेटे, 1.227 एंगस्ट्रॉम आंसर आ जाएगा आपके पास इस तरह से, ठीक है। चलिए जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब उसके बाद जो है हमारे पास किसका बेटे, उसके बाद जो हमारे पास वेवलेंथ है, हमें किसका निकालना है बेटे, प्रोटोन का निकालना है, तो वेवलेंथ ऑफ प्रोटोन। तो बेसिकली आप इस वाले फॉर्मूला को डायरेक्टली याद कर लीजिएगा, प्रोटोन के लिए कितना आएगा, प्रोटोन मतलब ई पॉजिटिव लिख रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 डिवाइडेड बाय में अंडर रूट ऑफ, फॉर्मूला लगा रहा हूँ जस्ट मैं ये वाला, 2m, m कितना बेटे प्रोटोन का, वो होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 27, ओके ठीक है जी, इंटू में क्या, वो कितना बेटे, जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैग्नीट्यूड का, उतना ही प्रोटॉन के ऊपर, कितना बेटे, वो है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, और आगे क्या बेटे, वी है जो आप पोटेंशियल अप्लाई करते हो, ठीक है। तो जब आप इसको आंसर निकालोगे आपके पास आंसर आएगा 0.286 डिवाइडेड बाय में अंडर रूट ऑफ वी, अंडर रूट ऑफ वी बेटे ये 0.26 है, और आंसर आएगा आपका किसमें, एंगस्ट्रॉम के अंदर, इसमें आएगा एंगस्ट्रॉम के अंदर। तो अगर आपको वो प्रोटॉन को एक्सेलरेट कराता है तो आप बता दोगे, तो आप बता दोगे बेटे कि उसका जो वेवलेंथ होगा वो इस वाले फॉर्मूले से दिया जाएगा। अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है कि आपने क्या करा, इलेक्ट्रॉन लिया और एक प्रोटॉन लिया, दोनों को सेम वोल्टेज पे क्या करा दिया बेटे, एक्सेलरेट करा दिया, दोनों को इस पे एक्सेलरेट करा दिया बेटे, सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे एक्सेलरेट करा दिया। अगर आप ध्यान से सुन, अगर सेम पोटेंशियल पे एक्सेलरेट कराओगे तो आपसे पूछेगा कि किसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा, किसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या कर बेटे, यहाँ पे भी वन पुट कर दे, यहाँ पे भी वन पुट कर दे, जस्ट सिंपल सॉल्व करने के लिए। तो जब तू वन वन पुट करेगा तो ध्यान से सुन, किसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का बनेगा वन पुट करने पर 12.27 एंगस्ट्रॉम, और प्रोटॉन का बनेगा 0.268 एंगस्ट्रॉम,
तो किसका ज़्यादा हुआ बेटे, इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा हुआ, तो आसानी से तू बता देगा भाई साहब कि इलेक्ट्रॉन का क्या होगा बेटे, वेवलेंथ ज़्यादा होने वाला है। क्लियर है मेरी बात? चलो जी, उसके बाद नेक्स्ट बेटे हमारे पास अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल मतलब He2 पॉजिटिव। मैं क्या करता हूँ उसके लिए सीधा फॉर्मूला निकाल देता हूँ, क्योंकि बेटे NCERT में ना बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, अब बार बार आप ये वैल्यू थोड़ा ना पुट करोगे यार, उसके लिए आप सीधा ये वाला फॉर्मूला याद रख लो। सीधी सी बात है, आंसर तो आप क्वेश्चन तो एक नंबर में आएगा, उससे ऊपर नहीं आएगा यहाँ से। तो आपको अगर ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? चलो जी, तो मैं दोबारा से बेटे 6.63 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड अंडर रूट ऑफ कितना आने वाला है, 2 एज इट इज़ आ बेटे। अब मास ऑफ जो अल्फा पार्टिकल है वो कितना होता है बेटे, वो होता है 4 times द मास ऑफ प्रोटॉन। तो 4 × मास ऑफ प्रोटॉन कितना भाई साहब, वो है 1.67 × 10⁻²⁷ kg इंटू में, ठीक है? चार्ज कितना होता है उसके ऊपर होता है बेटे 2e। तो 2 × 1.6 × 10⁻¹⁹, उसके बाद क्या आएगा बेटे, अंडर रूट ऑफ वी आएगा। तो जब आप सारे को सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आता है कितना था बेटे, 0.101 / अंडर रूट ऑफ वी इंटू में एंगस्ट्रॉम, अंडर रूट ऑफ वी इंटू में एंगस्ट्रॉम। ध्यान से सुन बेटे, आपके पास ये क्वेश्चन दे देगा वो क्या, कि अगर आप इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को और अल्फा पार्टिकल को सेम पोटेंशियल से भगाने की कोशिश करो तो कौन से वाले पार्टिकल की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगी। तो बेटे वेवलेंथ मैंने सेम पोटेंशियल लिया तो आप क्या करो बेटे, यहाँ पे 1 1 1 पुट कर दो। तो जब आप 1 1 पुट करोगे तो आपको ऑब्वियसली पता बेटे कि पता लग जाएगा कि किसकी ज़्यादा है। तो मैं देखूंगा क्या कि जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका ज़्यादा होगा किसके कंपैरेटिवली बेटे, प्रोटॉन के कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा किसका बेटे, अल्फा पार्टिकल कंपैरेटिवली। अल्फा पार्टिकल मतलब He2 पॉजिटिव, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या है बेटे ये हमने जो डिस्कस करा, किसके बारे में डिस्कस करा बेटे, हमने बेसिकली मैटर वेव के बारे में डिस्कस किया, ठीक है? होप आपको ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है? अब इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट था, जर्मन एंड डेविसन एक्सपेरिमेंट, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है बेटे? हालांकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब जो ये जो सिलेबस आ रहा है 2020 से लेकर के 2021 बैच वाला, वहाँ पे नहीं है ये, बट फिर भी मैं आपको कराने की कोशिश करूँगा। ओके, ठीक है जी, थैंक यू। उस एक्सपेरिमेंट में हम ये पढ़ने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो है तो पार्टिकल है बेसिकली, अब वो डायफ्रेक्शन और इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएंगे। अब डायफ्रेक्शन और इंटरफेरेंस पैटर्न कौन बनाता है, वेव बनाती है। तो इलेक्ट्रॉन क्या बेटे, वेव की तरह एक्ट कर रहा है। क्लियर है मेरी बात? चलो जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू।